आई नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आप लोगों को। आज हिंदुस्तान में बहुत ही गजब की बात हुई है, जिससे हिंदुस्तान की जो मानसिकता है समाज की, वो सामने आप समझिए गटर में पड़ी दिख गई है मुझे। आज हिंदुस्तान में 1 लाख आदमी इकट्ठा हुआ सनी लियोनी को देखने के लिए। ये वो देश है जिसके अंदर जवान मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, उनके लिए 1 लाख आदमी इकट्ठा नहीं हो सकता, मगर एक पॉर्न स्टार के लिए, जिसको आप लोग ब्लू फिल्म बोलते हैं, उसको देखने के लिए सारे लोग जमा हो गए। तो एक बात तो पक्का ये हो गई है कि जो डिजिटल इंडिया का जो फ़ायदा हो रहा है वो पॉर्न इंडस्ट्री को हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने सबने इसकी फिल्म देखी हैं, तभी आप लोगों में से कई लोगों की इच्छाएँ जागृत हो गई कि ये जो साक्षात देवी है इनको देखा जाए। मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं कहना, जहाँ तक ये है खुद लियोनी, ये इनका अपना प्रोफेशन है, वो जाने वो जो काम करते हैं, मगर जो आप लोग कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। ये वही देश है जिसके अंदर गांधी जी के एक कॉल पे लाखों लोग इकट्ठा हो जाते थे, और आज की तारीख में ये देश की जो मानसिक स्थिति है वो इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि अगर बाहर का मीडिया इसको उठाए तो यही बोलेगा कि जिस देश के अंदर से कामा सूत्रा निकला है, उस देश ने साबित कर दिया है कि उन लोगों के लिए कामा सूत्रा ज़्यादा है इम्पोर्टेंट देन APJ कलाम साहब या सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी। बहुत बढ़िया बात है आप लोगों की, आप लोग अपने बच्चों को भी बहुत बढ़िया चीज़ सिखा रहे हैं, क्योंकि वो बाप जब दोबारा अपने घर जाएगा साक्षात देख के इनको सनी लियोनी को, आगे क्या होगा वो मैं नहीं बताना चाहता आप लोगों को, वो आप लोगों को सब पता है, मगर जब वो घर जाएगा उसका बेटा पूछेगा या उसकी बेटी पूछेगी, पापा आप किसको देखने गए थे, वो बोलेगा मैं सनी लियोनी को देखने गया था। वो सीधा गूगल पे जाएगा, 15 साल का बेटा, और गूगल करेगा सनी लियोनी का नाम, और जो आप लोग देखते हैं वो भी वही देखेगा। बहुत अच्छी बात है, मैं आप लोगों के इस ये जो कारनामे पे आप लोगों को सलूट करता हूँ। जो देश अपनी सभ्यता की, अपने कल्चर की बात करता है, झूठी बातें आप लोगों की, आप लोग एक झूठ के घोड़े पर सवार हैं, और अपने आप को आप लोग बार बार ही कर जा रहे हैं साबित कि एक बहुत बड़ा ग्रुप इकट्ठा हो गया है हिंदुस्तान में, जो कि जाहिलों का ग्रुप है, उन लोगों को पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं। मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, न्यूज़ वाले भी दिखा रहे हैं इसको, जितने भी आज तक चैनल ने दिखाया, News18 ने दिखाया, NDTV ने दिखाया, बहुत बढ़िया बात है। आप लोग देश में और कोई अच्छे काम नहीं हो रहे, देश में और कोई अच्छे लोग नहीं है जिनके बारे में आप बता नहीं सकते, मगर आपको एक पॉर्न स्टार के बारे में बताना है, क्योंकि जो आदमियों की इच्छा है वो बाहर निकल के आ गई है। 130 करोड़ जो लोग आबादी बढ़ी है वो ऐसे भी नहीं बढ़ी, तो कुछ ना कुछ तो कारनामे कर ही गए हैं, जब ही 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए भारत में। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग देखिए सनी लियोनी से, सनी लियोनी से सीखिए, और अपने बच्चों को भी सिखाइए कि वो कितनी स्टार हैं, एक बेहतरीन स्टार है, सुंदर है, और फिर अपने बच्चों को भी वो क्लिप भी दिखाइएगा, नहीं तो इसकी ब्लू फिल्म बहुत हैं, आप जाके देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्लू फिल्म्स के बहुत ज़्यादा पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, और अपने बच्चों को दिखाइएगा। अपने बच्चों को गांधी जी के बारे में मत सिखाइएगा, अपने बच्चों को APJ साहब के बारे में मत सिखाइएगा, अपने बच्चों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में मत सिखाइएगा, और फिर ये सोचिएगा अपने सपने में कि हमारा देश एक दिन सुपर पावर बन जाएगा। भाई साहब आप लोग कुछ चीज़ रियलाइज़ करो यार, यहाँ भी अगर सनी लियोनी खड़ी हो जाए ना, 15 लोग भी नहीं आते, 15 लोग भी नहीं आएंगे आसपास। आप लोगों की मानसिकता इतनी नीचे गिर चुकी है कि यही प्रतिबिंब है आपकी राजनीति का, जो आपकी राजनीति है ना वो आपकी सोच है। आपकी राजनीति कोई भी हो, चाहे वो 10 साल पहले की हो या 10 साल बाद की हो या आज की हो, कभी नहीं सुधरने वाली अगर आप लोगों को खुद नहीं सुधरना। तो इन्जॉय करिए, अभी रात के 1:30-1 बज गए हैं, आप देख के आ गए सनी लियोनी को। Have a good time. Thank you so much.